सो हेलो टू फैमिली, मैं विशाल अकोस्टिक विद वाई, मेरा नाम है फैसल। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, जो कि आप लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं एंड आप लोग मुझे डीएम भी करते हैं कि सर मुझे एक कॉर्ड शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। कॉर्ड शिफ्टिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड में मूव होने को बोलते हैं हम लोग कॉर्ड शिफ्टिंग। जो बेसिकली बिगनर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कोई भी कॉर्ड प्ले करते हैं उसके बाद कोई दूसरी कॉर्ड प्ले नहीं कर पाते हैं, उनकी उंगली फंस जाती है या फिर साउंड गंदा आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से सॉन्ग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, गाना नहीं गा पाते। बेसिकली आप लोग रिदम क्लियर हो जाती है, राइट हैंड से स्ट्रमिंग क्लियर हो जाती है, बट कॉर्ड में वो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे ही कोई सॉन्ग आता है आप उसमें उंगली फंसने लगती है। तो आज की वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ कॉर्ड शिफ्टिंग को लेकर, कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको जिससे आप अपनी कॉर्ड शिफ्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आज 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि किन 5 पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान देना है और उस चीज को माइंड में रख के कॉर्ड शिफ्टिंग करना है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे और कॉर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। आधी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल भी वीडियो समझ में नहीं आएगी और ये टॉपिक हमेशा के लिए आप लोग से वंचित रह जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो है मिनिमम कॉर्ड्स। मिनिमम कॉर्ड्स का मतलब होता है कि आपको कम से कम कॉर्ड लेनी है। बेसिकली आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं और उसमें 3, 4, 5, 6 जो भी उन लोग को समझ में आता है वो लोग अपने अकॉर्डिंग, वो तो प्रोफेशनल है, वो आपको कॉर्ड बता देते हैं ओरिजिनल उठा के उसी सॉन्ग की। आपको वैसा नहीं करना है, आपको 4, 5, 6 कॉर्ड नहीं करनी है, आपको मिनिमम कॉर्ड लेना है, मतलब कम से कम कॉर्ड लेना है। और मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा कि आप 2 से 3 कॉर्ड एटलीस्ट प्ले करें, इससे ज्यादा कॉर्ड प्ले मत करें, ठीक है। तो सबसे इस पॉइंट को पहले पॉइंट को याद रखें कि मिनिमम कॉर्ड लेना है, ज्यादा कॉर्डें नहीं लेना है। एंड पॉइंट नंबर 2, ओपन कॉर्ड्स। तो बेसिकली आप लोग को ध्यान देना है स्टार्टिंग में एज अ बिगनर, जब तक आप बिगनर हैं आपको ध्यान देना है कि ओपन कॉर्ड्स प्ले करनी है। एंड आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओपन कॉर्ड क्या होता है और लोग नाम लेते हैं बार कॉर्ड। तो बार कॉर्ड क्या होता है और ओपन कॉर्ड क्या होता है, पहले आप इन दोनों का डिफरेंस पहले जान लिए। देखिए बार कॉर्ड बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम लोग का पूरा पाम इन्वॉल्व होता है, लाइक एफ मेजर कॉर्ड, सी शार्प मेजर कॉर्ड। तो ये कुछ इस तरह की कॉर्डे हैं जिसमें हम लोग सारी फिंगर्स और सारे फ्रेट यूज कर रहे हैं, मतलब अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग सारी, मतलब सारी फिंगर इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। 4th फ्रेट 3 फ्रेट पर सारा पाम हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो ये बेसिकली कहलाता है बार कॉर्ड। बार कॉर्ड का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको मूव कर सकते हैं, इसी शेप को आप आगे कर देंगे जी, जी शार्प, ए, ए शार्प। तो मतलब बार कॉर्ड बेनिफिशियल तो होती है, बट तब बेनिफिट होती है, बेनिफिशियल होती है जब आपको कॉर्ड्स वगैरह, इससे पहले ही कॉर्ड्स वगैरह प्ले करना आ जाए, उसके बाद आप बार कॉर्ड पे स्विच करें, और बार कॉर्ड वाकई में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। बट फॉर बिगनर मैं आप लोग का सेशन मेरे लिए यही रहेगा कि आप लोग स्टार्टिंग ओपन कॉर्ड से करें। और ओपन का कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ओपन कॉर्ड का मतलब होता है 2 और 3 फिंगर से पूरी कॉर्ड ओपन में ही प्ले कर लेना। मतलब 3, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी मेजर प्ले कर रहा हूँ तो इसमें 6 स्ट्रिंग होती है, इसमें 3 ओपन प्ले हो रही है और 3 को मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब को, इस तरीके के शेप्स को बोला जाता है ओपन कॉर्ड। लाइक जी मेजर कॉर्ड, इसमें मैं 3 फिंगर यूज कर रहा हूं और बाकी 3 स्ट्रिंग्स आपकी जो है ओपन प्ले हो रही है। ए माइनर, अब इस ए माइनर में मैं 3 स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं और 3 ओपन है। तो इन सब शेप्स को बोला जाता है ओपन कॉर्ड। तो मेरे बहुत सारे लेसन पड़े हुए हैं ओपन कॉर्ड्स के ऊपर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आप लोगों को बहुत सारी ऐसी ओपन कॉर्ड्स मिल जाएगी। और मैंने स्पेशली कॉर्ड्स भी डाली थी कि एक कॉर्ड को कितने तरीके से डिफरेंट स्टाइल से प्ले किया सकता है, तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने एक कॉर्ड को 4-5 तरीके से प्ले करना बताया, बहुत सारी मेहनत मैंने करके रखी है, बस आप लोग देखिए तो बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो कोशिश करिए पॉइंट नंबर 2 याद रखें कि हम लोग आप लोग को एज अ बिगनर ओपन कॉर्ड ही यूज करना है। एंड पॉइंट नंबर 3 है नियरेस्ट कॉर्ड। मतलब नियरेस्ट कॉर्ड का मतलब है कोई भी कॉर्ड ऐसी यूज करें जो सेकंड कॉर्ड उसके पास हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ए माइनर यहां से यूज किया, जी मेजर यहां से यूज कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ई मेजर मैंने यहां से यूज किया और बी माइनर यहां से लगा, सी शार्प मैंने यहां लगा दिया। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आप लोगों जैसे कोई कॉर्ड देख लिया, ओपनिंग शेप देख लिया, यहां पर देख लिया और यहां से प्ले करें, तो ऐसा नहीं करना है। नियरेस्ट कॉर्ड यूज करनी है, कम से कम 5 से 5 कॉर्ड यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल जी, ये मैंने जी यूज किया, 2 फिंगर नीचे करी, C major 9 बन गया और उसके नीचे करा डी मेजर बन गया, ये हो गई नियरेस्ट कॉर्ड। सी एफ एंड जी, तो मतलब करीब की करीब कॉर्ड यूज करना है, ई मेजर, ए मेजर, बी मेजर, ये सब करीब वाली कॉर्ड हो गई। तो कोशिश करिए कि दूर दूर कॉर्ड यूज ना करें,
पांच से पांच कॉर्ड यूज करने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों की कॉर्ड शिफ्टिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो इस तीन नंबर पॉइंट को जरूर याद रखें कि नियरेस्ट कॉर्ड आपको हमेशा प्ले करनी, ज्यादा दूर कॉर्ड प्ले नहीं करनी है। और पॉइंट नंबर फोर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दी नहीं बताता है, मैं आपको आज बता रहा हूँ इस वीडियो में, और बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि हम लोग, जरूरी नहीं कि हम लोग राइट हैंड से प्ले करने के बाद ही कॉर्ड प्ले करें। जो पॉइंट नंबर फोर है वो है कॉर्ड शेप प्रैक्टिस। शेप प्रैक्टिस बेसिकली क्या होती है, आप फॉर एग्जाम्पल कॉल पे बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर आप गिटार ले लिए, विदाउट साउंड, बिना साउंड के आप शेप की प्रैक्टिस करिए, लाइक ई मेजर, ए माइनर एंड डी मेजर। अब आपको यहां पे यहां तो साउंड आ गया, अब आपको विदाउट साउंड कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ शेप की प्रैक्टिस करनी है ना कि कॉर्ड की। तो आपको कैसे करना है, इस तरीके से शेप बनाइए, और अगर गलत बन रहा है तो गलत बनने दिए, अगर फिंगर आपके ऊपर नीचे जा रही है तो जाने दिए। कोई स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है स्टार्टिंग में, धीरे 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 करके वो उस चीज का हैबिचुअल होता है, आदी होता है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ई मेजर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड, तो इसका मुझे शेप बनाना है, इस तरीके से करिए, ओपन ये शेप बनाए, ई मेजर, ए माइनर, डी मेजर। स्टार्टिंग में गलत बनेगा, बाद में धीरे धीरे करके आप देखेंगे, स्टार्टिंग में आप ऐसे फिंगर लाते होंगे, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, सब लोग करते हैं, मैंने भी किया था, और जो भी बिगिनर था सब ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से डी मेजर हम लोगों ने यूज किया, फॉर एग्जाम्पल डी मेजर आप लोग स्टार्टिंग में ऐसे यूज करते हैं, एक ये रखा फिर ये रखा फिर ये रखा, तब जाके एक कॉर्ड बनती है, सबके साथ होता है। तो आपको एग्जैक्टली एक साथ होल्ड करनी, सारे फिंगर को एक साथ यूज करना है, आपको इधर नहीं करना है, सिर्फ शेप की प्रैक्टिस करना है। तो फ्री टाइम में आप पॉइंट नंबर फोर को याद रखें कि आपको सिर्फ शेप की प्रैक्टिस करनी है, सी मेजर, ई मेजर, ए माइनर, डी मेजर, तो इस तरीके से शेप बनाए, गलत होगा लेकिन धीरे धीरे करके आपकी फिंगर सही भी आने लगेगी। आपको जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको अचानक से एक दिन पता चलेगा कि आप कॉर्ड प्ले करने लगे हैं, वो भी फास्ट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया अपने स्टूडेंट्स को, सबको मैंने यही चीज बताई है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने देखा है कि काफी ज्यादा यूज में आती है चीज, और इससे काफी ज्यादा असर होता है आपके हैंड्स मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर फाइव पे, जो है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम आप लोग जानते होंगे, एक बीट का एक एप्लीकेशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोनोम, जिसमें बीट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लाइक टक 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 टक, तो उसमें अपने अकॉर्डिंग स्पीड, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 1, तो उसमें स्लो भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, फास्ट करेंगे 1 2 3 4 1 2, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4, आपको मेट्रोनोम के थ्रू आपको अपनी कॉर्डों को शिफ्ट करना है, उसके चार चार बीट के ऊपर, कभी तीन बीट लगा लिए, अभी स्टार्टिंग में आप चार बीट करिएगा और स्पीड कम से कम रखिएगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से आप लोग को मेट्रोनोम में प्रैक्टिस करनी है। जब मेट्रोनोम में प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग प्रॉपर तरीके से, आपको एक तो टाइम सिग्नेचर के बारे में पता चलेगा कि टाइम सिग्नेचर होता क्या है और कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, तो आप लोग को मेट्रोनोम के थ्रू काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो प्रोफेशनली भी सीखते हैं, मैं बेसिकली ग्रेड कर रहा हूँ गिटार में, एबीआरएसएम से ग्रेड कर रहा हूँ, तो आज भी हम लोग को मेट्रोनोम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैं मुझे तकरीबन 7-8 साल के आसपास, मुझे 8-9 साल के आसपास हो गया मुझे गिटार प्ले करते हुए, और अभी भी मुझे मेट्रोनोम की जरूरत पड़ती है। तो एज अ बिगनर मैं आपको, एज अ टीचर मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, एज अ स्टूडेंट बोल सकते हैं, एज अ फ्रेंड बोल सकते हैं, कि आपको मेट्रोनोम जरूर यूज करें। मेट्रोनोम से आप यूज करेंगे स्टार्टिंग से तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए, आगे भी स्ट्रमिंग पैटर्न जब इस्तेमाल करेंगे तब भी आप लोग को बहुत ज्यादा आसानी होगी, और जब कॉर्ड वगैरह शिफ्टिंग करेंगे तो उसमें भी काफी ज्यादा आसानी होगी। तो मेरे कहने से आप लोग मेट्रोनोम को जरूर यूज करें, आप लोग को प्ले स्टोर पर काफी ज्यादा बहुत सारे मेट्रोनोम की एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड करके उसका यूज यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, तो मैं मेट्रोनोम के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा कि मेट्रोनोम को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं इससे रिलेटेड तो आपको आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत से लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बट नोटिफिकेशन बेल को जो है एक्टिव नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से मेरी नोटिफिकेशन उनके पास नहीं जा पा रही है, तो मेक श्योर पास में लगे बेल आइकन को जरूर चेक कर लें,
कि आप लोगों ने उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखा है कि नहीं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, गिटार कितना कौन सा अच्छा होता है, किस ब्रांड का अच्छा होता है, कॉस्ट कितने बजट का अच्छा होता है, बिगनर के लिए कौन सा सही रहता है, या लेसंस में क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप कोई भी डाउट हो तो अपने भाई को आप याद करिए। नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, आप उस पर डीएम करें, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो बेझिझक मुझे डीएम करें, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सेकंड थिंग इज मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, तो अगर किसी को जीरो से सीखना हो या उसने कभी भी गिटार ना सीखा हो तो वो जीरो से सीख सकता है। मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूँ और अगर आप लोग करना चाहते हैं क्लासेस तो मुझे डीएम करें, मैं आप लोगों को उसकी क्लासेस के बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि मेरा एक छोटा सा चैनल है, व्लॉग चैनल है, जिसमें मैं व्लॉगिंग करता हूं, तो प्लीज जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया, प्यार किया, इसी तरीके से उस चैनल को सपोर्ट करें और प्यार दिखाएं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग वहां जाके उसको विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।